देखना। ओके तो चलो भाई, तो प्यारे बच्चों वेलकम, प्यारे बच्चों 11th क्लास चैप्टर नंबर 3 की ये तीसरी क्लास है, और तीसरी क्लास में प्यारे बच्चों आज हम सीखेंगे ग्राफिकल मेथड से। आप तीनों फॉर्मूले जो हैं एक स्ट्रेट लाइन के s इक्वल टू ut प्लस हाफ इस ad स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as और v इक्वल टू u प्लस ad, ये कैसे ड्राइव करेंगे और ग्राफिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं चैप्टर नंबर 3 के, आज हम वो सीखेंगे इस क्लास में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, चलें। बिल्कुल, तो भाई सबसे पहली बात, जब भी ग्राफिकल क्वेश्चन आएगा आपके स्कूल में या कुछ भी इस तरह का चैप्टर नंबर 3 में से, तो दो बातें होंगी, या तो स्लोप की बातें होंगी या फिर एरिया की बातें होंगी, स्लोप या फिर एरिया। तो एम यानी कि टारगेट आज बिल्कुल क्लियर है कि करना क्या है हम, ठीक है, स्लोप और एरिया की बातें हैं यहां पर। ओके, पहले बात करते हैं अब स्लोप की। स्लोप की बातें करते हैं भाई प्यारे बच्चों, देखो स्लोप की बातें हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, एरिया की बातें करेंगे थोड़ी देर बाद में करेंगे। स्लोप क्या है, कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन है, ये लो मैंने कोई स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब इस लाइन पे हजारों लाखों पॉइंट्स होंगे कि आप गिन भी नहीं सकते, तो मैं चलो ठीक है किसी दो पॉइंट को अभी कंसिडर करूंगा, लेकिन उससे भी पहले देखो ये लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है, उसको मैंने माना थीटा, उसको क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब प्यारे बच्चों ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल बना रही है थीटा बोला, अगर मैं उस एंगल को टेन में ले लूं तो ये जो मिलेगा इसको हम बोलेंगे स्लोप, तो इसको इस लाइन का स्लोप बोलेंगे। और स्लोप को कैसे डिफाइन करोगे, टेंजेंट ऑफ द एंगल, क्या 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 बोला मैंने, टेंजेंट ऑफ द एंगल दैट एनी लाइन, टेंजेंट ऑफ द एंगल दैट एनी लाइन ठीक है मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल या सबटेंड्स विद द हॉरिजॉन्टल, समझ रहे हो। और याद रखना ये एंगल, याद रखना आप ऐसे जाओगे एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे, ये क्लॉकवाइज होता है घड़ी की सुई के साथ साथ, आप एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे, इस एंगल को लिया जाता है जब भी आप स्लोप निकालते हो तो। ओके, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आहा, मैं चाहूं तो यहां पर कितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, यहां पर ड्रॉ कर दूं, यहां पर ड्रॉ कर दूं, एक्स एक्सिस के पैरेलल में कितनी भी लाइन ड्रॉ कर दूं, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये सारे थीटा होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो भाई हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको टेन में ले लिया आपने, वाओ टेन में ले लिया, बहुत बढ़िया, उसी को स्लोप बोलेंगे। एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, इस पे तो हजारों लाखों पॉइंट्स हैं, कोई भी दो पॉइंट ले लो, यहां पर, यहां पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया एक्स वन वाई वन है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया एक्स टू वाई टू है। तो बचपन में मैथमेटिक्स में सीखा होगा, स्लोप का दूसरा फॉर्मूला सीखा होगा, क्या, चेंज इन वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय चेंज इन क्या एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट। बेसिकली मुझे बोलना चाहिए सारे टॉपिक्स करवाए जाएंगे बच्चों, एक एक करके सारे करवाए जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल चिंता ना करो, मुझे बता दिया करो सारे, और मुझे याद भी है कि क्या क्या करवाना है, जो बच्चे लेट आए हैं उनको भी करवा देंगे, चिंता ना करो, ठीक है। बाकी मैसेज अभी यहां पर मत डालो, ठीक है, मुझे भेज देना मैसेज, उसमें देख लूंगा, इसमें मैसेज पे ध्यान नहीं देने का, अभी पढ़ाई पे ध्यान देने का, वो सारी बातें क्या करो क्लास के बाद या क्लास से पहले, ठीक है, अभी क्लास में कंसंट्रेट करो, इसको सीखो, इसमें खो जाओ, ठीक है, इसी के हो जाओ, अभी फिलहाल ये करते हैं, फिर बाकी बातें कर लेंगे बाद में, ठीक है, आपकी सारी बातें सुनेंगे और उसको देखेंगे भी। तो प्यारे बच्चों,
स्लोप के दो फॉर्मूले, नंबर वन क्या कि ये हॉरिजॉन्टल, ये लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, उसको 10 में ले लिया तो ये होता है आपका स्लोप। और दो पॉइंट इस पे कोई भी ले लिए, दो पॉइंट कोई ले लिए, तो चेंज इन वर्टिकल एक्सिस कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस कोऑर्डिनेट, ये भी स्लोप होता है, ये भी स्लोप होता है। इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स भी लिख सकता हूं, तो ये स्लोप होता है। क्या किसी बच्चे को तकलीफ? बता दो मुझे आज, मत होना नाराज, नाराज मत होना, ठीक है, तकलीफ बताने का, तकलीफ बताने का। देखो बच्चों, अब यहां पर देखो, अब स्लोप से रिलेटेड दो बातें हैं यहां पर चैप्टर नंबर 3 में, स्पेशली नंबर 1 कि भाई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। स्लोप दो ग्राफ में बहुत बातें की जाती है स्कूल में, तो स्पेशली बहुत बातें की जाती है, एक स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, उससे पहले एसटी ग्राफ चलो कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, और दूसरी बात करेंगे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या 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 क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके बच्चों, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, चलो करते हैं यहां पर, करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखते हैं फिर से, दो एक्सिस है, कितनी एक्सिस है? दो, और ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, इधर इधर बनाने का भाई, इधर बनाने का, ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है, ये क्या वेलोसिटी एक्सिस। अब मैं कोई दो लाइन ड्रॉ करता हूं, मैं कोई दो लाइन ड्रॉ करता हूं बच्चों, अक्कड़ बक्कड़ नेहा कक्कड़, ऐसे बना दिया दो लाइन, बना दिया ओहो, तो चलो अच्छा है। तो प्यारे बच्चों यहां पर दो पॉइंट है, यहां पर ये S1 है, ये T1 है, तो कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, देखो ध्यान से देखो, ये टाइम T1, ये S1, ये कोई और पॉइंट ले लिया T2 और ये है S2, ध्यान दो, इसका स्लोप क्या होगा, क्या होगा इसका स्लोप, इसका स्लोप होगा गौर से देखो S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस T1, चेंज इन वर्टिकल एक्सिस कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस कोऑर्डिनेट, होगा या नहीं होगा? होगा। ओहो, इसी को लिख सकते हैं डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। तो स्लोप यहां पर मिल गया, ओ वाओ वाओ वाओ, स्लोप मिल गया, ठीक है। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यही तो वेलोसिटी होती है भाई, यही तो वेलोसिटी होती है, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी, समझता नहीं है बात को, छेड़ देता है जज्बात को। देखो तो स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। यहां देखो आपको क्या दिख रहा है, वही आप लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे, ठीक है। तो यहां पर देखो बच्चों, स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा है, क्या बता रहा है? वेलोसिटी बता रहा है ना, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने टाइम में, यही तो वेलोसिटी होती है, खत्म बात। अच्छा यहां पर देखो वीटी ग्राफ, देखो यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस पे, बहुत सारे, चलो ये कोई टाइम है टी वन, उस समय वेलोसिटी मैंने मानना कुछ है वी वन, यहां पर कोई है टाइम टी टू वेलोसिटी, यहां पर कोई है वी टू, कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो, लिखना चाहते हो कोऑर्डिनेट लिख दो, ये आ गया T1 V1 और ये आ गया आपका T2 V2, समझता नहीं है बात को, तो इसका स्लोप निकल लिखेंगे भाई, इसका स्लोप लिखेंगे, तो स्लोप क्या होगा यहां पर, चेंज इन वर्टिकल एक्सिस कोऑर्डिनेट, Y की जगह यहां पर क्या है, वेलोसिटी है, अपॉन में चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस कोऑर्डिनेट T2 माइनस T1, ओहो इसी को लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम, यानी कि टाइम, तो क्या देखा आपने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम मिल गया, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है कितने टाइम में, देखो 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 कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है कितने टाइम में, ओहो यही तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोल देंगे बच्चों, समझे, क्लियर हो गए ना बात, रटने का नहीं भाई, फिजिक्स रटना नहीं है, समझना है। ओके तो बैक टू बैक दो नोट्स लिखेंगे, कितने, तीन नहीं, दो, दो, नंबर वन लिखेंगे, स्लोप ऑफ
एसटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। पहला नोट लिखेंगे, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। दूसरा पॉइंट, मेरे कहने पे मत जाओ, देखो मैं बता क्या रहा हूं उस पे दिमाग लगाओ, क्यों मैंने बोल दिया पता चल गया ना। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन बच्चों, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। मजा आ रहा है पढ़ाई में लाइक करने का भाई, लाइक में कंजूसी क्यों भाई, सभी लाइक करो ठीक है। आई लाइक लाइक्स, यू लाइक लाइक्स, चले ठीक है। तो मिल के सीख रहे हैं, अपना चैनल है, लाइक करने का अपने चैनल को। तो अब यहां पर देखो, यहां पर हो गया ना खत्म बात। तो एसटी ग्राफ और वीटी ग्राफ के बारे में आपको ये पता चल गया, क्या क्या हुआ, क्या रिकैप। स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, खत्म बात। अब यहां पर चलते हैं आगे, आपको ले चलते हैं इसके ऊपर, जरा क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ओके चलो भाई, फटाफट क्वेश्चन करने का भाई, फटाफट क्वेश्चन करने का। तो भाई स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले आपको बता ही दिए, दोनों में से कैसे भी लगाओ ठीक है। स्लोप टेन थीटा से भी निकाल सकते हैं, कैसे स्लोप कैसे निकालेंगे, टेन थीटा से भी, टेन थीटा से भी, ये थीटा है भाई, तो भी क्या मिलेगा वेलोसिटी। तो यहां पर स्लोप टेन थीटा से भी मिलेगा और वो भी क्या होगा, एक्सेलरेशन। चलो यहां पर बना देता हूं एक क्वेश्चन, ये टाइम एक्सिस है इन सेकेंड, ये अपना डिस्प्लेसमेंट है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट है इन मीटर, और ये मैंने बना दिया एक ग्राफ ऐसे, कुछ भी बना दूंगा, और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री ठीक है। तो भाई एसटी ग्राफ ऑफ अ बॉडी It's shown in the figure, then find its velocity. जल्दी से, ST graph of a body shown in the figure, then find its velocity. बहुत जल्दी करने का, फटाफट करने का, जल्दी से करो। Slope of VT graph gives velocity. Come on, do it. Come on, सभी को करना है, सभी को slope निकालना है, निकालो slope. तो भाई यहां पर वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब यानी कि टेन थीटा, और टेन थीटा की जगह यहां 30 डिग्री लिखने का, और ये 30 होता है 1/√3, और यूनिट ध्यान से देखो क्या क्या दे रखा है मैंने, तो मीटर पर सेकंड आएगा यहां तो। ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कई बच्चों का आ गया आंसर, बहुत बढ़िया ठीक है। तो क्या ये बहुत कठिन था, क्या ये कठिन था, इसको कठिन कहते हैं क्या, आसान है। ओके बहुत बढ़िया, चलो भाई ये तो हो ही गया, फिर अगला देखने का भाई, अगला देखने का, अगला देखने का, अगला देखने का, अगला अगला। तो मान लो कि भाई ये है, ये टाइम एक्सिस है इन इन सेकेंड फिर से, और ये वेलोसिटी है भाई इन मीटर पर सेकेंड, और ये है ऐसा ग्राफ बना हुआ है ओके, और ये 60 डिग्री है मान लो, या 30 डिग्री कुछ भी, चलो 60 डिग्री मैंने मान लिया। अब आपको दे रखा है क्वेश्चन क्या, द वीटी ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन इन द फिगर, टैक द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी शोन इन द फिगर ठीक है। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, find the graph, find the acceleration of the body, do it, come on, do it, hurry up, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करने का फटाफट। ओहो ओहो ओ, इसका स्लोप ही तो acceleration होगा, तो acceleration is equal to slope of velocity time graph ठीक है, और ये आ गया 10, और ये एंगल है 60 डिग्री, और ये आ गया √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा करोगे पक्का गलत होगा, कुछ बच्चों ने कर दिया होगा ऐसा, और ये गलत होगा सर। स्लोप का फॉर्मूला तो 10 थीटा होता है, फिर ये गड़बड़ कैसे हो गया, कैसे हो गया ये गड़बड़, कैसे हो गया घोटाला, कैसे भाई, बताया था ध्यान रखना,
कि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना है घड़ी की सुई के अपोजिट डायरेक्शन में। आपने ऐसे ले लिया, ये गलती थी। अरे भाई ये गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी भाई, बहुत बड़ी गलती। तो वास्तव में क्या इधर से जाना चाहिए था आपको, ये वाला, ये सही एंगल है, ये सही है भाई। एंटी क्लॉकवाइज में चलने का कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में चलने का ऑलवेज। तो ये एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री होगा। ये अपना थीटा है जो हमें स्लोप में लेना है। तो 100 कितना हो जाएगा, 20 डिग्री, पॉइंट टू बी नोटेड, 120 डिग्री। ठीक है, तो मुझे लिखना चाहिए यहां पर क्या, 120 डिग्री लिखना चाहिए। समझता नहीं है बात को, छेड़ देता है जज्बात को, देखो यहां पर। ठीक है, 120 डिग्रीज, ओके। या सीधा मैं लिखना चाहता हूं, मैं कुछ करना ही नहीं चाहता सबट्रैक्शन भाई, वही रहने देता हूं ऐसा। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको मालूम है क्या कि भाई एक फॉर्मूला होता है टेन, 180 डिग्री माइनस सीधा का, तो भाई 180 ये रहा, ठीक है, यहां से घटाएंगे यहां पर आ जाएगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मैथमेटिक्स सीखते हो आप, तो यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 और 180 के बीच में अगर कोई एंगल होगा तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, टेन वेन सब कुछ नेगेटिव होता है बाकी, तो ये नेगेटिव होता है और फंक्शन चेंज नहीं होता, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो काइंडली रिमेंबर दिस फॉर्मूला, काइंडली, ठीक है, बार बार यूज होता ही है, समझता नहीं है बात को। तो यहां पर आ गया माइनस टेन 60 डिग्री, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। अरे वाह भाई, फील आ रही है क्या, ठीक है, आर यू एंजॉइंग, आर यू एंजॉइंग, क्या ये कठिन था या आसान था डिम्पी जी, ठीक है, क्यों बच्चों सही है, क्या ये कठिन लगा आपको, कठिन लगा गोली से उड़ा देने का, ठीक है, सही है ना, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन को उड़ा देंगे, खत्म है। अरे वाह भाई वाह, ये आ गया, तो चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इतनी जल्दी आ जाता है, ठीक है, फिर बहुत जल्दी भाई, बहुत जल्दी। तो ये स्लोप की बातें हैं, ये बातें स्लोप की हैं भाई, स्लोप की हैं, तो भाई स्लोप की बातें हैं। चलो यहां पर देखते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम क्या लिख दूं, डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये इन सेकेंड फटाफट करेंगे, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। और ये कुछ भी मैंने लिख दिया, चलो इन मीटर पर सेकेंड। दो क्वेश्चन बैक टू बैक पूछूंगा आपसे, दो क्वेश्चन। नंबर वन, एक तो मैंने बना दिया ऐसे, कैसे ऐसे, ये वाला बॉन्ड देखो जी, देखो जी, देखो जी, ये जीरो है, ये मैंने मान लिया, चलो भाई 50 है, ये 100 मान लिया, ये 150, और ये मैंने मान लिया चलो 2, 4, 6, 8, इस तरह से चलता जा रहा है, और ये 10 है, ये सेकंड में। तो एसटी ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन इन द फिगर, फाइंड इट्स वेलोसिटी, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट होंगे तगड़े, तगड़ा, जल्दी से करो। Find the displacement time graph of a body is shown in the figure. Find its velocity. Come on, do it. Find its velocity. कौन सा फॉर्मूला, ये वाला लगाने का, ये लगाने का, स्लोप का ये वाला, अब एंगल नहीं गिवन है, स्लोप का ये वाला फॉर्मूला लगाने का, जल्दी, come on, do it, come on. Yes, मजा आना चाहिए, I like it, I like physics, I love physics. और मुझे बहुत मजा आता है physics पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, I like it. Yes. Come on, do it. काम वही करो जिसमें मजा आए, बाकी तो सजा है, यूजलेस है, आई लाइक इट, मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आई लाइक फिजिक्स, आई लव फिजिक्स, आई एंजॉय फिजिक्स, कम ऑन डू इट, कम ऑन भाई। हर्षित का आंसर आ गया है 12.5 सेकेंड, लेकिन क्या इसका ये जवाब सही है, दूसरे का भी आ गया, वो भाई डिंपल का भी आ गया, अमन का भी आ चुका है, अमन का भी आ गया है 12.5, तो क्या सही जवाब यही है, ओके, ओ अरुण का भी आ गया, भाई अरुण का भी आ गया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया,
कर लिया आपने, आपने कर लिया, अब मेरा भी तो फर्ज बनता है कुछ, चलो करते हैं। तो इसकी वेलोसिटी जो होगी बच्चों, वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप। तो यहां पर करो, कर दो, तो यहां पर क्या होगा भाई, इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा, 0, 100, और इसके होंगे 8 और 0, ये आएगा सेकंड में और ये आएगा इसमें, समझ लो। तो S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस T1 रे, तो यहां पर T2 S2 क्या है, चलो ये मान लिया T1, ये S1, ये T2, ये S2, आपको किसी को भी मान लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, T1 T2 किसी को, इसको मैं चाहूं तो T2 S2 मान सकता हूं, इसको T1 S1 मान सकता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, करके देख लो सबसे आंसर सेम सेम। तो यहां पर आएगा 0 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 0, समझता नहीं है बात को, तो इसको डिवाइड करने का, डिवाइड करो, तो भाई डिवाइड करेंगे तो 4 से कटेगा 25, ओके ये क्या है भाई, ठीक है 4, तो 25/2 यानी कि सही बात है 12.5 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही है। पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, ये बताने का, नेगेटिव आने का, देखो माइनस का आ रहा है, तो माइनस का आ रहा है, कई बच्चे माइनस का नहीं लिखे थे इसलिए गड़बड़ कर दिया था उन्होंने, घोटाला कर दिया था भाई, पॉइंट वे नॉट एट, जिन्होंने 12.5 लिखा था उनका विकेट गिर गया, वो गड़बड़ कर दिया भाई, 12.5 और माइनस 12.5 में बहुत डिफरेंस है भाई, ठीक है, कहीं जमीन है तो कहीं आसमान है, तो नेगेटिव जरूर लिखने का, नहीं तो आपका आंसर गलत, और अपन को गलत नहीं करने का भाई, बिल्कुल सही करने का, तो माइनस 12.5 इज द करेक्ट आंसर, ओके सही है, किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम, परेशानी, थोड़ी बहुत हैरानी नहीं है, तो चलो फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, देते हैं इसका, मैंने बोला था दो क्वेश्चन बैक टू बैक, पहला ये है, अरे वाह भाई वाह निखिल, वाह भाई वाह, तो ये पहला क्वेश्चन तो ये कर दिया, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अब इसी का दूसरा क्वेश्चन, कभी कभी मान लो भाई, कभी चाहे एस टी ग्राफ हो चाहे वी टी ग्राफ हो, चलो बना देते हैं कौन सा, फिर से वी टी ग्राफ ही बना देते हैं, ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है और ये क्या है, वेलोसिटी एक्सिस है बच्चों, समझ में आया। अब यहां पर ये है भाई 2, 4, 6, 8, हाँ 10 चलता रहेगा, 50, 100, और मैं जो ग्राफ बना रहा हूं, मैं जो ग्राफ बना रहा हूं ये बना रहा हूं पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ध्यान देना भाई बहुत काम आएगा, बार बार सिचुएशन में पैरेलल आने वाला है, क्या इसका स्लोप निकाल सकते हो भाई, वीटी ग्राफ दे दिया क्या मैंने, चलो ठीक है भाई दे दिया तो दे दिया, ये है इन मीटर पर सेकेंड, यूनिट भी दे देता हूं इन सेकेंड, और ये मैंने लिख दिया इन मीटर पर सेकेंड, एसटी ग्राफ हो या वीटी ग्राफ हो तरीका तो वही है, तो मैं वीटी ग्राफ दे दिया, अब आपको इसका स्लोप बताना है, मतलब इस ग्राफ से एक्सेलरेशन बताना है। क्वेश्चन क्या है, द वीटी ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन इन द फिगर, फ्रॉम द फिगर फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, करो भाई सब लोग करेंगे, शिकार करेंगे, बनेंगे एक शिकारी, जल्दी करेंगे, डू इट कम ऑन, एक्सेलरेशन निकालेंगे जल्दी से, और ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ मैंने जानबूझ के बनाया, बहुत बार आता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सूर्य बल्ब की तरफ फ्यूज हो जाता है, ऐसा नहीं करने का, कई बच्चे लिख रहे हैं 0, 0, 0, 0, और जिसका आंसर है 0 इस क्वेश्चन में वो बनेगा हीरो, ओके बहुत बढ़िया, 0 इज द करेक्ट आंसर, यस यू आर राइट माय डियर, ओके बहुत सारे पॉइंट है भाई, बहुत सारे पॉइंट है, ऐसे मैंने कोई दो पॉइंट ले लिया, कोई भी दो पॉइंट ले लिया, अक्कड़ बक्कड़ नेहा कक्कड़, कोई भी दो पॉइंट ले लिया, ये टी वन बोल दिया, ये टी टू बोल दिया, ओहो तो इस वाले पॉइंट में देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 यानी कि टी है टी वन, और यहां पर 100 आ गया, ये आ गया आपका वी वन, ये पॉइंट हो गया 2, 6, और यहां पर आ गया 100, ये आ गया टी टू, और ये हो गया आपका वी टू, क्या सहमत है आप लोग,
वेरी इजिली गिराएंगे बिजली, ठीक है, दुख और तकलीफ नहीं होने चाहिए फिजिक्स में। तो यहां पर एक्सेलरेशन जो आएगा, एक्सेलरेशन दैट इक्वल टू स्लोप, स्लोप इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया लाइन का बी, और लिख देता हूं स्लोप ऑफ ए बी, लाइन ए बी। तो यहां पर वी टू माइनस वी वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन, भाई अरे भाई बिल्कुल सही बात। अब यहां से क्या मिला आपको भाई, वी टू माइनस वी वन 100 में से 100 गया। ओहो, अब देखो बार बार ये कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा, दिमाग में बसा लो ये वाला डायग्राम कि कैसे कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय इतना मीटर पर सेकेंड, और यहां पर आ गया 6 माइनस 2, समझता नहीं है बात को, 0/4, ओहो जीरो ओ आ गया, जीरो आ गया एक्सेलरेशन। क्या यूनिट लिखूं, कुछ भी यूनिट लिखो क्या फर्क पड़ता है यहां पर, ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ही जीरो, चाहे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर लिख दो या मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, जरूरत नहीं है, जीरो ही एक ऐसी क्वांटिटी होगी, जब यूनिट लिखो ना लिखो आपके नंबर नहीं कटेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाकियों में आपको यूनिट्स जरूर लिख रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी, अच्छा तो याद रखना, दिमाग में बसा लो कि कोई भी लाइन अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो उसका स्लोप जीरो होगा, उसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, बिल्कुल सही बात। ओके, अब मैं कोई भी फोटो बना दूं, कुछ भी बना दूं, चलो बैक टू बैक दो क्वेश्चन बनाऊंगा अभी, बैक टू बैक दो, और ग्राफ का खेल खत्म, स्लोप वाले ग्राफ का खत्म। तो भाई प्यारे बच्चों देखते हैं, देख लेते हैं कि मान लो ऐसा, मैंने कोई फोटो बनाऊंगा, ये टाइम एक्सिस है इन सेकेंड, फिर से ये चलो मैंने मान लिया किसमें मानू, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट चलो ओके, इन मीटर कुछ भी बनाऊ, दोनों में से एक भी चलेगा। चलो मैं कोई भी ग्राफ बना देता हूं, चलो भाई ऐसे बना दिया, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जा रहे रहे, ओके ओके जी ओके, चलो जी ओके, ठीक है। तो मैं एक रफ डायग्राम बनाने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, देखोगे ओ ए बी सी। तो भाई डिस्प्लेसमेंट जो है किसी बॉडी का चेंज हो रहा है भाई, इस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग ये टाइम है 2, 4, 6, 8, 10, 12 चलेगा। यहां पर चलो डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर एंड सो ऑन। आपको बताना है, क्वेश्चन बताना है आपको कि भाई किस इंटरवल में, किस इंटरवल में, ये बिल्कुल ऐसे बना है, हाँ किस इंटरवल में बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन इसमें कई सारे बन सकते हैं, क्या भाई कितने इंटरवल है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओए एक इंटरवल, ए बी दूसरा इंटरवल, बी सी तीसरा इंटरवल, कई सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं बच्चों। नंबर वन, किस इंटरवल में बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, किस इंटरवल में वेलोसिटी जीरो होगी, किस इंटरवल में वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, किस इंटरवल में वेलोसिटी नेगेटिव होगी, ठीक है, ये सब कुछ बताना है आपको। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा 4 सेकंड में बताओ वेलोसिटी क्या है, कहेगा कि भाई 1 सेकंड में बताओ वेलोसिटी क्या है, कभी बोलेगा 9 सेकंड में वेलोसिटी क्या है वो बताओ, ये सारी चीजें हैं। समझ में आ गया, क्वेश्चन बहुत सारे। पहली बात, किस किस इंटरवल में वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, किसमें मैक्सिमम वेलोसिटी है, किसमें मिनिमम है, फाइंड आउट फाइंड आउट। कई बच्चों का आंसर आने लग गया है, अरे बा भाई भाई इतने फास्ट हो गए क्या। ओके, कागज पेन में कैलकुलेशन करने का, बैठे नहीं रहने का, बैठा रहेगा तो डल हो जाएगा, काम करने का बच्चे काम, कमान 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 डू इट कमान। इसको मिटाता हूं, कमान डू इट कमान कमान एवरीवन कमान 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 हरी अप,
मजा आ रहा है तो लाइक करने का बच्चे, पढ़ाई पसंद है तो लाइक करने का। अपना चैनल है यह, आपका खुद का चैनल है, आप देख रहे हो, इसका मतलब आपका खुद का चैनल है, इसको लाइक करने का, ठीक है। हाँ भाई, कईयों का आ गया आंसर, यस निखिल, यस। तो भाई कईयों का आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं, वैसे तो आपको देखते ही बता देना है किसका पॉजिटिव होगा, किसका नेगेटिव होगा, किसका जीरो। हॉरिजॉन्टल है तो जीरो, खत्म बात। ओहो, टेन 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 टेन, जीरो से लेके 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बच्चा बच्चा जानता है, बल्कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। अगर यहां पर 90 से लेके 180 डिग्री तक एंगल हो तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अभी देखा था थोड़ी देर पहले, नेगेटिव होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये एंगल, ये वाला एंगल देख रहे हो एंगल, ओके, क्या ये एंगल, ये थीटा वन मैंने मान लिया, क्या ये थीटा वन लेस देन 90 नहीं है, यस, पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो इसका यहां से लेके यहां तक सेम स्लोप होगा। किसी भी दो पॉइंट को ले लो, आप करके देख लो, घर में ही बैठे हो अभी तो यहां पर किसी भी दो पॉइंट को ले लो, क्लास के बाद किसी भी दो पॉइंट को लो, स्लोप सेम रहेगा अगर स्ट्रेट लाइन सेम है तो, मतलब, और स्लोप बता रहा है यहां पर वेलोसिटी, तो मतलब इस इंटरवल को लूं, इसको लूं, इसको लूं, इसको लूं, छोटा सा लूं, कोई भी इंटरवल लूं, वेलोसिटी सेम रहने वाली है। और वो आप चेक कर लो, पक्का पॉजिटिव आएगा। यहां पर टेन थीटा लेस देन 90 है तो टेन थीटा वन, यानी कि वेलोसिटी ओ और ए के बीच में, चलो मैंने मान लिया वी वन है, तो वी वन पक्का यहां पर पॉजिटिव होगा। इस एंगल को देखने का, ये वाला एंगल लेते हैं, आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे, ये वाला तो नहीं, ये एंगल थीटा टू मैंने माना जो कि ग्रेटर है 90 डिग्री से, तो देखते ही आपको बताने का, देखते ही कि भाई ये वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां पर वी टू, यहां पर पूरा इसे की स्ट्रेट लाइन है, किसी भी दो पॉइंट को लोगे वेलोसिटी बताएगा वो, उसका स्लोप, और वो सेम रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन है तो एक ही वेलोसिटी, सीधी बात ही है। और ये आएगा टेन थीटा टू, और ये पक्का नेगेटिव आएगा क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो बताना तो ऐसे बच्चों का खेल है, चुटकी बजाते ही खत्म है, खेल खत्म है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बताना है, वो तो निकालना पड़ेगा आपको, स्लोप निकालना पड़ेगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, स्लोप निकालोगे तो बात बनेगी, बात बनेगी पक्का। तो भाई इसका स्लोप निकालो, इसका वाला निकालो, इसका निकालो, तीनों का निकालो भाई, तीनों का निकालो। चलो इसका निकालता हूं फटाफट। तो यहां पर वी वन मैंने मान लिया वेलोसिटी, O to A में V1, और वो क्या मिलेगा भाई, S2 minus S1 upon में D2 minus T1। तो यहां पर S2, चलो इसको मैंने मान लिया 300, ठीक है, minus S1 यहां पर क्या था, जीरो था, चेक करो खुद करो। T2 यहां पर 2 सेकेंड है, minus T1 यहां पर जीरो ही है, खुद करो। तो ये आ गया 150 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, और पॉजिटिव आ गया, देखो अपने आप पॉजिटिव आया है, मैंने कुछ नहीं किया, खत्म बात। इसका अभी आपको बताया था, इसका आपको बताया था अभी A to B, अभी स्ट्रेट लाइन में जैसे बताया था, वेलोसिटी पक्की बात है जीरो होने वाला है, देखते ही बताने का। यहां से यहां तक, ठीक है, कहां से कहां तक भाई, यहां से यहां तक B to C बताने का भाई, B to C। तो यहां पर वेलोसिटी B2 मैंने मान लिया, थ्रू आउट वेलोसिटी क्या है, B2 है। तो ये क्या आ गया भाई, वही S2 माइनस S1 अपॉन में D2 माइनस T1। तो यहां पर क्या आएगा, S2 किसको माने, इसको मान लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या है, जीरो माइनस यहां पर डिस्प्लेसमेंट, यहां पर क्या है 300। तो ये आ गया 300। देखो भाई इसका क्या आएगा भाई, टाइम क्या है, 6 है, ये टाइम है T1 मैंने मान लिया, और डिस्प्लेसमेंट क्या है 300, ये S1 मान लिया, यहां डिस्प्लेसमेंट देखो जीरो हो गया और टाइम हो गया इतना, तो ये T2 और डिस्प्लेसमेंट हो गया यहां पर जीरो, समझ रहे हो। तो S2 माइनस S1 T2 माइनस T1, T2 किसको बोला है, इसको बोला है, तो 10 आएगा यहां पर, T1 यहां पर आ जाते हैं, ये वाला 6 है। तो चेक करो, खुद ही चेक करो, तो माइनस का 300 डिवाइडेड बाय 4 आ गया, तो यहां पर करने का, तो ये आ गया माइनस,
20, दो बचे हैं चार पंजे 20, मुझे लग रहा है इतना आएगा, V2 आ गया -75 मीटर पर सेकंड। तो चेक करो क्या ये आ रहा था आपका आंसर, क्या यही आ रहा था आपका, क्या यही आ रहा था -75 आ रहा था या कुछ और आ रहा था, मुझे बता दो, मुझे बता दो, आज आज के दिन में मुझे बता दो क्या -75 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्या 150 आ रहा है प्लस का, बिल्कुल आ रहा है। तो देख लो निकालने पे भी आ गया, बिना कैलकुलेशन के भी आप यू 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 आंसर बता सकते हो। ओके बहुत बढ़िया, अब आपसे इसी में क्वेश्चन पूछा कि प्यारे बच्चों व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकंड, बताओ। आपको बताना है 4 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, आपको बताना है 9 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ लिया इस ग्राफ को देख करके, क्या पूछ लिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, भाई ग्राफ को देख करके आपको बताना है कुछ और। देखो मतलब वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकंड आपको बताना है, वेलोसिटी बताना है टी इक्वल टू 4 सेकंड पे, ठीक है, और वेलोसिटी बताना है एट टी इक्वल टू 9 सेकंड पे। तुरंत जवाब देने का, तुरंत भाई तुरंत, मिनट्स नहीं सेकंड्स में आंसर चाहिए, तुरंत जवाब देने का बच्चों, तुरंत, वेरी गुड। कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जवाब मैसेज में नहीं लिख रहे, कमेंट में नहीं लिख रहे, अरे लिखो लिखो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लिखो फटाफट लिखो जल्दी से, कमान, ठीक है 30 सेकंड में मैं लिख दूंगा आंसर, और सोचूंगा नहीं अब मैं लिखूंगा, ठीक है, सोचने का प्रोसेस हो चुका है खत्म, कमांड कमांड। कुछ बच्चे स्थिर पड़े हुए हैं, स्थिर नहीं पड़ना भाई, इनएक्टिव स्टेट में नहीं रहना, एक्टिव रहना, बिल्कुल जब तक अंतिम सांसें ना आ जाए तब तक एक्टिव रहना है, कमांड जोश में रहना है, कमांड। बहुत सारे बच्चे लिख चुके हैं आंसर, अब अपने आंसर मिलाएंगे, मिलाते हैं अपने आंसर 1 सेकंड पे, भाई 1 सेकंड पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है क्या, इसका मतलब आपकी आंखें ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, किसी भी दो पॉइंट को देखोगे उसका स्लोप सेम रहेगा, किसी भी दो पॉइंट को आप ले लो, मैं बोल रहा हूं, तो भाई 0 से लेके 2 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, 0 से लेके 2 सेकंड तक, यानी कि वही रहेगा, ओ से ए तक वही रहेगा, चाहे कोई भी टाइम ले लो, 0 से लेके 1 सेकंड तक 1.1 सेकंड, 1.2 सेकंड, 0 से लेके 2 सेकंड तक सेम रहेगा, और वो होगा 150 मीटर पर सेकेंड। सर ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, अरे भाई अब नहीं पूछने का, अब दिमाग खराब है क्या, पॉजिटिव होने का भाई, अब सोचने की कोई बात बची क्या, नहीं। अच्छा बताओ 4 सेकंड पे क्या होने वाली है वेलोसिटी, 4 सेकंड पे, अरे भाई इसका स्लोप 0 हो गया, 4 सेकंड पे वेलोसिटी 0, थैंक यू, ठीक है 4 सेकंड पे, ओके, कोई बच्चा नाराज नहीं होने का भाई, अरे हमसे क्या नाराज, ठीक है चलिए। तो यहां पर देखो बच्चों, ये वाला इसका भाई यहां से लेके यहां तक ये एक स्ट्रेट लाइन है, किसी भी टाइम पे बोले 6 से लेके, देख रहे हैं 6 से लेके 10 सेकंड तक कोई भी टाइम बोले, एक ही स्ट्रेट लाइन है तो एक ही वेलोसिटी रहेगी, एक ही वेलोसिटी रहेगी, लिख देने का। और ये क्या V2 निकाल चुका है यहां पर, कितना आया था -75, तो ये भी -75 रहेगा, सेम रहेगा, और वो नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा -75, तो 6.1 सेकंड पे पूछ ले आपको, 6.2 पे पूछ ले, 7 सेकंड पे, 8 पे, 9 पे, 9.1 पे, ठीक है 9.9 सेकंड पे पूछ ले, कभी भी 6 से लेकर 10 तक सेम रहने वाली है वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी की वैल्यू होगी -75 मीटर पर सेकंड। ना है समझ में तो बता दो, देखते हैं कौन बताता है, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, ठीक है आ गया समझ में, मजा आ गया या कोई तकलीफ है, बताओ, ठीक है बच्चो, आई लाइक इट, यो सही है, बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन इतना चुन्नू मुन्नू वाला देता हूं, और वो आपके लिए स्कूल के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा,
ये लो, ओहो हर्षित कह रहा लास्ट वाला एक बार फिर से बता दो। अरे भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है हर्षित बाबू, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इसके कहीं पर भी देखोगे भाई वेलोसिटी सेम रहेगी, किसी भी दो पॉइंट का देख लो स्लोप सेम रहेगा, किसी भी दो पॉइंट को ले लो, किसी भी दो पॉइंट को आप लेके तो देखो, कैलकुलेशन एक बार करके तो देखो, कैलकुलेशन करके तो देखो, ठीक है करके तो देखो बच्चों, कोई भी दो पॉइंट लो, कोई भी दो पॉइंट लो, कोई भी दो पॉइंट लो, कोई भी दो पॉइंट ले लो, उसका स्लोप निकाल के देखो, ना आए तो बता देना मुझे, ये पक्का आएगा, गारंटी है, लिखित गारंटी ले लो आप। तो भाई किसी 6 सेकंड से लेके तरनजीत आ गए भाई, तरनजीत ओके, तरनजीत वेलकम, वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, कोलंबिया स्कूल का ये था चमकता हुआ सितारा, बहुत बढ़िया स्टूडेंट, 2 साल बहुत बढ़िया पढ़ाई की थी इसने, बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पर लाजवाब मार्क्स भी आए थे इसके, बहुत अच्छा लड़का भाई, 20 से 30 पॉइंट तक। पुराने बच्चों को देखे वैसे मुझे बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है, थैंक यू। तो यहां से लेके यहां तक प्यारे बच्चों, किसी भी दो पॉइंट को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, किसी भी दो पॉइंट को अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या आ गया, स्लोप सेम रहेगा। तो इस टाइम पे 6 से 10 सेकंड तक टाइम कोई भी ले लो, स्लोप सेम रहेगा, वेलोसिटी सेम रहेगा, खत्म बात। अब मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही आसान और छोटा सा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन आपके स्कूल में समझ लो आ गया, देखता हूं सबसे पहले कौन कर देता है। चले तो भाई ये है टाइम एक्सिस इन सेकेंड, और ये है डिस्प्लेसमेंट एक्सिस इन मीटर पर सेकेंड। एक लाइन ये बना दिया मैंने, ओ है, ए है, एक लाइन ये बना दिया मैंने, ये बी है और ये सी है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये दे रखा आपको। तो दो बॉडी का मैंने एक साथ एसटी ग्राफ बना दिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना दिया। आपको इनकी वेलोसिटी का रेशियो चाहिए, ठीक है, आपको इनकी वेलोसिटी का रेशियो चाहिए, वी ए इज टू वी बी चाहिए। तो एसटी ग्राफ ऑफ टू बॉडीज इज शोन इन द फिगर, फाइंड रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। करो जल्दी से करो, कम ऑन डू इट, हरी अप जल्दी से करो, फटाफट करेंगे, फटाफट करेंगे, जल्दी से खड़ाघट खड़ाघट, जल्दी से फटाफट करेंगे, जल्दी से भाई, जल्दी से। कमान 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 डू इट, कमान, ओहो, वन, रक्षिता का आंसर आ गया 1:3, ओके, बाकी 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 बाकी, लेकिन क्या रक्षिता ये सही है या कुछ गड़बड़ है, कहीं घोटाला है, चेक करो चेक करो रक्षिता। ध्रुव का भी आ गया है, बट क्या ये सही है, चेक इट चेक इट, कमांड, ओहो ओहो ओहो, कहीं कोई गड़बड़ या घोटाला तो नहीं, कमांड 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 कमांड। चले ओके, आप लोगों ने ट्राई कर लिया, आप देखो भाई यहाँ पर हाँ कुछ बच्चों ने गड़बड़ कर दिया है कुछ बच्चों ने गड़बड़, भाई बच्चों बच्चे एग्जाम में देखे आते हैं, उनको लगता है आंसर सही है, टीचर ने गलत कर दिया, बट ऐसा नहीं है, होता बोले टीचर्स की बातें ध्यान में से सुनने का, उसको अप्लाई करने का। अब यहाँ पर देखो, अब कई बच्चों का सही आने लग गया है, ओके। तो भाई यहाँ पर पहले वी ए की बात करता हूँ, वी ए बच्चा बच्चा छोटा मासूम बच्चा, इसका स्लोप वो होगा, तो भाई वी ए होगा स्लोप ऑफ ओ ए, तो यहाँ पर स्लोप यानी कि टेन 30 डिग्री, 10/30 होता है 1/√3 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया वी ए। अरे भाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव का तो मतलब ही नहीं बनता, एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव होगा, 10/30 पॉजिटिव,
ये तो कोई भी कर चुका है, सभी सही कर चुके हैं। वी बी, वी बी में जिसने 60 डिग्री एंगल लिखा उसका तो गलत हो गया रे। तो यहां पर ये वाला एंगल लिखने का, तो यहां पर ये वाला, तो यहां पर टेन, ये वाला एंगल लिखने का, और ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 60, एंटी क्लॉकवाइज में चलने का भाई, इस रेफरेंस से एंटी क्लॉकवाइज में चलने का, क्लॉकवाइज में चलेंगे तो गलत होगा। तो यहां पर आ गया 180 माइनस 60, बताया था आज, और ये आ गया 10 माइनस का 10 60, 180 माइनस ये लिखा है फॉर्मूला, देखो इसीलिए नहीं मिटाया मैंने आज, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा, तो यहां पर आएगा, और ये आ गया माइनस रूट 3 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया वी बी। क्या इनका रेशियो लेने का? बिल्कुल, अब रेशियो ले लेंगे। तो यहां पर वी ए डिवाइडेड बाई वी बी, और वी ए क्या आएगा 1 बाय रूट 3, वी बी क्या आएगा माइनस का रूट 3, समझता नहीं है बात को। तो यहां पर क्या आएगा 1 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय वो इतना, तो यहां पर माइनस भारी लिख दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाएगा और 1 बाय रूट 3 आ जाएगा। चेक करो भाई, इस चीज को डिवाइड किया ना इससे, तो 1 बाय रूट 3 को डिवाइड किया रूट 3 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाएगा और क्या। तो ये आ गया माइनस 1 बाय 3, तो क्या आंसर लिखेंगे, वी ए इज टू ओ बी इज इक्वल टू माइनस 1 इज टू 3, ये रेशियो नेगेटिव होगा, नेगेटिव में अगर गड़बड़ है तो बहुत बड़ा गड़बड़ है, बहुत बड़ा गड़बड़ है, घोटाला है। बी केयरफुल, बी केयरफुल बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को? सही है बिल्कुल। चले, तो ये तो भाई मैंने स्लोप से रिलेटेड आपको सारी बातें बता दी है, जो भी आपके स्कूल में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, स्कूल लेवल के लिए ये नॉलेज एनफ है। अब आपको बताते हैं एरिया से रिलेटेड बात, एरिया से रिलेटेड बात। इस क्लास की सांसें तब तक चलती रहेंगी जब तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता, और कंप्लीट कर लेंगे। चलो भाई यहां पर देखो, तो प्यारे बच्चों, हाँ जी, अब एरिया की बात होगी, एरिया दो तरह, दो जगह पे एरिया की बात होगी यहां पर इस चैप्टर में। ये टाइम एक्सिस है फिर से, और ये आ गया मान लो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दूसरा आ गया बच्चों यहां पर ये टाइम एक्सिस है, और ये आ गया आपका एक्सेलरेशन, या तो वीटी ग्राफ होगा या एटी ग्राफ होगा, समझता नहीं है बात को, या तो वीटी ग्राफ होगा या एटी ग्राफ होगा, दो ही बातें हैं। ओके, तो भाई वीटी ग्राफ मान लो, चलो मैंने ऐसे बना दिया यहां से यहां तक ए से बी, ठीक है ऐसा, चलो यहां पर ये आ गया वेलोसिटी है 20, ये इन मीटर पर सेकंड लिख देता हूं, एक बार यूनिट लिखना है, बार बार नहीं लिखना होता, इन सेकंड, ठीक है। और चलो यहां पर मैंने बना दिया, चलो भाई 40, यहां बना दिया 60, इस तरह चल रहा है, ठीक है। यहां पर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, भाई 4 सेकंड चलता रहेगा। सभी बच्चे इसका ओ ए बी, चलो इसको एम मान लिया, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, उसी तरह से यहां पर बना रहा हूं ऐसा, सेम बना दिया, चलो 1 2 3 4 इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आ गया मान लो 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, ये ए, ये बी, ये ओ, ये एम, चले दोनों का एरिया निकालते, दोनों का एरिया, ऐसे रटने का नहीं चलेगा, ठीक है भाई। जिनकी क्लास कोई और है तो वो लीव कर देंगे, कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डेड पोर्शन इसका बचा हुआ पार्ट का देख लेंगे, मैं अभी इसको कंप्लीट ही कर देता हूं बच्चों फिर, है ना, ठीक है। जिनकी क्लास नहीं है कोई, वो अटेंड करते रहे भाई, बाकी रिकॉर्डेड देख लेंगे बाद में फिर। तो यहां पर देख लो, तो भाई यहां पर, अब यहां पर मुझे मजा आ रहा है, मैं रुकने का मन नहीं कर रहा अभी, तो यहां पर चलेंगे, इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी एम, तो यहां पर आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, किसी को भी लेंथ बोलो, किसी को ब्रेथ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं निखिल, कोई बात नहीं बच्चे, आप मैथ की क्लास अटेंड कर लो, बाद में ये समझ में आ ही गया आपको, इसके बाद का रिकॉर्डेड पोर्शन देख लेना फ्री टाइम में, कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक, है ना, अपने पास टाइम थोड़ा कम है, ठीक है मैं कंप्लीट कर देता हूं।
तो कर लेना आप, कोई बात नहीं, फिर वापस मिलेंगे हम अगली क्लास में जल्दी ही, ठीक है? यस यस यस। तो प्यारे बच्चों यहां पर आ गए वापस, तो इस वाले क्वाड्रिलेटरल में देखो ओ ए, इसमें देखो, तो यहां पर मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। अब यहां पर देखते हैं, तो चलो इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्वाड्रिलेटरल डिस, तो यहां पर ओ ए इनटू ओ एम, तो भाई यहां से यहां तक आ गया 40 मीटर पर सेकेंड इनटू ये आ गया यहां से यहां तक 3 सेकेंड, तो भाई यहां पर सेकंड से सेकंड गया, ओहो, तो ये आ गया 124 × 12 इतना मीटर, ये एरिया, एरिया बता रहा है यहां पर एरिया इतना मीटर में, देख रहे हो क्या, ये मीटर में बता रहा है, मतलब वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया जो देखा आपने, वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया जो देखा आपने, वो क्या बता रहा है, वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये मीटर में आ गया, मीटर में आ गया, इसलिए सो एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, सो एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, क्या ये बात समझ में आ गई आपको, एरिया अंडर, जिनकी क्लास है वो जाएं, प्लीज जाएं, ठीक है, वो रिकॉर्डेड देख लेंगे, ठीक है, जाने का मन नहीं कर रहा होगा, मुझे पता है मजा आ रहा होगा, बट वो चले जाएंगे, कोई बात नहीं, हम फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, हाँ आना वापस, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, देख लो, क्योंकि ये मीटर में आ गया, इसलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मिल गया ओहो मिल गया, ठीक है, अब यहां पर आते हैं, यहां पर आओ, तो भाई इसका एटी ग्राफ के नीचे का एरिया निकालते हैं, एटी ग्राफ के नीचे का एरिया निकालते हैं, ये वाला एरिया निकालने का, तो यहां पर ये एरिया क्या मिलेगा भाई, इसका एरिया मिलेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी एम ओ, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू यहां से यहां तक 8 है, ये क्या है सेकंड में, इन सेकंड, तो भाई इतना सेकंड, ठीक है सेकंड आ गया, चलो ये भी लिख देते हैं, एक इससे कैंसिल हो गया, तो 16 मीटर पर सेकंड आ गया, ओहो ओ, 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 एरिया जो मिला वो उसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, अरे भाई मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, बताओ मुझे, वेलोसिटी की होती है, तो एरिया अंडर वीटी एटी ग्राफ क्या देगा, एरिया अंडर एक्सलेशन टाइम, क्या नाम है, वेलोसिटी एक्सलेशन टाइम ग्राफ क्या देगा, बताओ मुझे, वेलोसिटी बोल रहा है एक बच्चा, एक मासूम बच्चा, वो वेलोसिटी बोल दिया, एरिया अंडर एक्सलेशन टाइम ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी देगा, कुछ बच्चे वेलोसिटी सोच रहे हैं, क्या सभी सोच रहे हैं, क्या आप भी सोच रहे हैं, ना 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 ना, वेलोसिटी लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, घोटाला हो जाएगा, आशीष अरोड़ा आ गया भाई, अपना पुराना स्टूडेंट, ओ वेलकम आशीष, वाह, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, आशीष अरोड़ा भी ये कोलंबिया स्कूल का एक बच्चा है, था बहुत होनहार बच्चा, ये भी यार आजकल बच्चे मिलते हैं भाई यूट्यूब पे, चलो यो यो, तो आशीष आए हो तो लाइक करते हुए जाना चले मुद्दे में आते हैं यार, हाँ तो मैं बता रहा था कि भाई अगर आपने लिखा कि एरिया अंडर एटी ग्राफ अगर वेलोसिटी बता रहा है तो ये गलत है बच्चों, ये वेलोसिटी नहीं बताता, एरिया अंडर एटी ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी बताता है, क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी बताता है, ठीक है, तो ये एरिया क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, समझता नहीं है बात को, तो एरिया अंडर एक्सलेशन टाइम ग्राफ क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, दिमाग में बसा लो, ओके बच्चों, तो दो चीजें मिली क्या, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर एक्सलेशन टाइम ग्राफ क्या बताएगा आपको, चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, अरे भाई वाह 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 वाह, ये हो गया, चलिए इसके ऊपर
क्वेश्चन हो जाए जो स्कूल में आ सकते हैं, करें क्या, फटाफट करते हैं। एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन स्कूल में कैसे आते हैं भाई, बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग बनाने का कि मजा आ जाने का, बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग बनाने का। तो प्यारे बच्चों देखते हैं भाई, देखो जी देखो, अगर आपके स्कूल में आ गया एक ऐसा क्वेश्चन, ये टाइम एक्सेज इन कुछ भी, चलो सेकंड में लिख लिया, ये दे दिया आपका वेलोसिटी इन क्या मीटर पर सेकंड, ओके, और ग्राफ बना दिया ऐसा ऐसा और ऐसा, बिर से बना दिया, ऐसा बिर से बना दिया, फटाफट यहां पर 50, ये 100, ये 150 चलता रहेगा, ये 0, ये 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड चलता रहेगा। तो ये ए बी सी, तो क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों कि वीटी ग्राफ आपका एक इसमें दे रखा है, वीटी ग्राफ दे रखा है आपको, आपको इस ग्राफ से बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। द वीटी ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन इन द फिगर, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। पहले क्या हो रहा है यहां पर देखो, वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर कॉन्स्टेंट है, फिर वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी पहले बढ़ रही है, फिर कॉन्स्टेंट है, फिर घट रही है। आपको इस ग्राफ से बताना है, क्या बताना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ठीक है, 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 20 सेकंड, कम ऑन डू इट, कम ऑन, फाइंड, क्वेश्चन है क्या है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 20 सेकंड, फर्स्ट 20 सेकंड, 0 to 20 सेकंड भी लिख सकता हूं मैं, 0 to 20 सेकंड, कम ऑन डू इट, कम ऑन, हरी अप, डू इट नाउ, सभी लोग करेंगे, सभी लोग करेंगे समीक्षा, कम ऑन डू इट, सेकंड हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही बात, ठीक है, चेक करते रहना। अरे भाई कुछ बच्चे अभी भी टिके हुए हैं, बहुत बढ़िया, कम ऑन डू इट, जल्दी से करो, जल्दी से करो, मैं पानी पी लूं एक बार, पानी, कम ऑन डू इट, कम ऑन, हरिया, जल्दी से करने का, किस किस का आंसर आ रहा है चेक करता हूं अभी। हाँ जी, अरे भाई कईयों का आ गया, रक्षिता का आ गया, अमन का आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हाँ भाई, तो भाई चलो भाई करते हैं यार, करते हैं, आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, तो भाई यहां पर क्या होगा, हाफ, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दो, कैसे भी आपको ज्योमेट्री आपको आता है भाई, मेंसुरेशन आपको आता है, इसके नीचे का पूरा एरिया निकाल लो, बस ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो भाई यहां पर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि ए बी प्लस ओ सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, चलो मैं इसको एम मान लेता हूं, तो ये आ गया एम, समझो समझो, तो यहां पर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स यहां से यहां तक, ये गैप कितना है, 5 से 10 के बीच में 5 सेकेंड का, तो यहां पर 5 आ गया, प्लस ओसी कितना यहां से यहां तक 20 आ गया, ए एम कितना, ए एम यहां से लेकर यहां तक 100 आ गया, समझता नहीं है बात को, तो ये इतना मीटर आ जाएगा, करो करो करो, ये 25, ये तो आ गया 50, तो ये आ गया 25 इंटू 50, इतना मीटर, कितना आ गया 125, ओहो 1250 मीटर, चेक करो क्या यही आ रहा है, बहुत बढ़िया, आप लोगों का सही है, विधि का सही है, यस का सही है, सबका सही है, ओके, बहुत बढ़िया, 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 बहुत बढ़िया,
चलो एक लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं आपको ग्राफ के ऊपर, इस तरह से एरिया वाला, एरिया वाला। ऐसे तो बनते जाएंगे क्वेश्चन, कोई लिमिट नहीं है। फिर आपको करवा देंगे ड्राइव कैसे करते हैं फॉर्मूले भाई देखने का। देखो भाई, तो प्यारे बच्चों यहां से देखो, यहां पर देख लो, ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है, ऐसे जा रहा है कोई, ऐसे जा रहा है, ऐसा मैंने बना दिया, ठीक है। ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ओके बहुत बढ़िया। यहां पर मैं कुछ भी बना देता हूं, चलो 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड 12 सेकंड, इस तरह से चलता जा रहा है, इन सेकंड है ये। और ये यहां पर मान लो 50 है, ये 100 है, 150 है, ये है इन मीटर पर सेकंड, ध्यान देना। अच्छा जी, और यहां से ये जो पीक है, चलो मैंने मान लिया ये जा रहा है काफी ज्यादा, और ये मैंने मान लिया 200 है, तो ये कितना मान लिया मैंने भाई 200 है, तो 200 आ जाएगा यहां पर इतना मीटर पर सेकंड। यहां पर आ गया, इस तरह से बना लो, तो ये आ गया आपका 100, ये आ गया 50, इस तरह से चलेगा 150। तो ये एक वीटी ग्राफ गिवन है, एक क्वेश्चन है ये कि वीटी ग्राफ ये है, तो वीटी ग्राफ इज शोन इन द फिगर, फ्रॉम द दिस ग्राफ फाइंड दो चीजें निकालनी है आपको, एक तो निकालना है टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 0 to 12 सेकंड, 0 से लेकर 12 सेकंड में आपको निकालना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है, दोनों निकालना है। 1 मिनट का टाइम देता हूं, समय शुरू होता है अब, करो ट्राई। 0 से लेकर 12 सेकंड में आपको डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, कमांडो इट, जल्दी से करो, जल्दी से फटाफट करने का। तो भाई जो बच्चे कर रहे हैं देखो, डिस्टेंस जो होगा, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का एरिया ऐड कर दो। ऐसा क्यों किया सर आपने, ऐसा क्यों किया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बी सी डी, भाई दोनों ट्रायंगल्स का एरिया ऐड कर दो। चलो ठीक है, कर दिया, तो ये आपको डिस्टेंस मिलेगा, कमांडो इट। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, इनके एरिया को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो आप, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, बी सी डी, समझे? तो फटाफट जरा एरिया निकालो, फटाफट एरिया निकालो और शिकार कर दो। ऐसा क्यों किया इसके बारे में बात करेंगे अभी। इन दोनों एरिया को आप ऐड कर दो तो आपको मिलेगा डिस्टेंस, और ऊपर वाले एरिया में से हमेशा नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। कमांडो इट बच्चों। तो क्या है, चलो आपने ट्राई किया, इसकी बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल देश तो हाफ, बेस इनटू एल्टीट्यूड, बेस है आपका ओ बी, एल्टीट्यूड है आपका ये, चलो एम मैंने मान लिया तो ए एम, चलो आगे करते हैं, इसी का शिकार पहले हो जाता है ओ बी, यहां से यहां तक 6 है, ए एम यहां से यहां तक 100 है, प्लस इस वाले का देखो यहां से यहां तक बी डी, तो बी डी हाफ बी डी हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यहां से यहां तक 200 है, माइनस का 200 नहीं लिखने का,
तो यहां पर बी डी है आपका, चलो मैंने ये मान लिया ये एन, तो ये आ गया सी एन, सी एन। तो हाफ बी डी है आपका यहां से 6 और 12 के बीच में 6 ही तो आता है, तो 6 आ गया, और यहां से यहां तक 200 है, 200 कर दिया, इससे ये गया तो 100 आ गया, इससे ये गया 3 आ गया। तो भाई डिस्टेंस क्या मिल रहा है आपको, डिस्टेंस क्या मिलने का भाई, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 300 प्लस इसको सॉल्व करने का तो 600, चेक करो ये मीटर में आ रहा आंसर, तो ये आ गया आपका 900 मीटर आ रहा है। चेक करो क्या ये आ रहा है आपका, क्या 900 मीटर आ रहा है, बस बिल्कुल, नेगेटिव नहीं लिखने का, नेगेटिव नहीं लिखने का, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले बोला ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया घटाने का, ऑलवेज मैं कभी एक सिचुएशन की तो बात करता ही नहीं, करना पसंद ही नहीं है मुझे, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। तो भाई यहां पर प्यारे बच्चों इसके एरिया में से इसको घटाओ, इसको घटा दो, तो यहां पर इसका एरिया कितना आया अभी सॉल्व किया 300, बार बार क्या सॉल्व करना माइनस, ओहो ये आ जाएगा 600, ओके 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 मीटर में आएगा भाई डिस्प्लेसमेंट, तो -300 मीटर आ गया, ओके ओहो डिस्प्लेसमेंट इतना आ गया, डिस्प्लेसमेंट इतना आ गया, क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ये सारे वेक्टर्स हैं, और ये सारे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, ओके। तो बाय चांस अगर दोनों का एरिया बराबर होता, घटाते जीरो हो जाता, तो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं अगर वो स्केलर है तो, और ये सारे क्या है स्केलर ही है, वो सारे क्या है स्केलर ही है बच्चों, बहुत बढ़िया। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों किया, कि भाई डिस्टेंस के केस में ऐड क्यों किया और डिस्प्लेसमेंट के केस में सबट्रैक्ट क्यों किया, ठीक है ठीक है, तो दोनों के केस में ऐसा क्यों किया भाई, क्वेश्चन ये। अब जरा इस सिचुएशन को समझो, जरा ध्यान से समझो तभी मजा आएगा, फिर लो आप अच्छे से कि भाई यहां पर क्या है, एक साइकिल पे हो आप सवार, पैडल मार रहे हो, मार रहे हो, मार रहे हो, मार रहे हो, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती गई यहां पर, फिर पैडल मारना बंद कर दिया और वेलोसिटी कम होती गई, जा रहे स्ट्रेट लाइन में, जा रहे हैं आप स्ट्रेट लाइन में, यहां से यहां तक चलते गए, ओ से स्टार्ट किया आपने, ए तक पहुंचे, वेलोसिटी बढ़ रही है यहां पर, अब यहां वेलोसिटी घट रही है, यहां से बी तक पहुंचे, इस दौरान ठीक है, इस दौरान आपने यहां से यहां तक कितना कवर कर लिया, 300 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, 300 मीटर कवर कर लिया, यहां से यहां तक कितना कवर कर लिया आपने, 300 मीटर कवर कर लिया, कर लिया क्या, आप यहां से स्टार्ट करें ओ से, ए पॉइंट तक आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, देख रहे हैं वेलोसिटी बढ़ते हुए दिखाया, फिर वेलोसिटी घटते हुए, तो पहले पैडल मार रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, यहां तक हुई, फिर वेलोसिटी कम होने लगी, कम होते 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 यहां पर जीरो हो गई, तो यहां पर जाके आप रुक गए, वेलोसिटी यहां पर तो रुक ही गए, लेकिन तब तक मैं आप 300 मीटर आगे जा चुके हैं, ये कितना 300 मीटर बता रहा है ये एरिया, 300 मीटर, फिर यहां तक जा रहे थे, यहां से पहले वेलोसिटी बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर पैडल मारना छोड़ दिया, कम होते होते जीरो, जा रहे स्ट्रेट लाइन में, फिर आप पलट गए भाई, साइकिल को पलटा लिया उसी रोड पे, फिर देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव बता रहा है, डायरेक्शन इधर है, अपोजिट है, वेलोसिटी फिर से पैडल मारा 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 मारा, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 200 मीटर पर सेकंड, अबे यार साइकिल है या क्या है, हवाई जहाज है, 200 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कर दिया आपने, बढ़ाते गए, बहुत तेजी से जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, फिर पैडल मारना छोड़ दिया, धीरे धीरे जा करके कहीं पे रुक रहे हैं यहां पे, तो अब वापस जा रहे हैं ऐसे, वापस जाए जा रहे हैं ऐसे, वापस जाए जा रहे हैं ऐसे, वापस जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं सेम रोड पे ऐसे, और जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, वापस जाए जा रहे हैं, और ये यहां से देखो बी से स्टार्ट करके सी तक गए थे कहीं पर, सी से फिर डी पे गए, यहां कोई डी है, ये वाला डी पॉइंट है, तो इस तरह से गए, और इस दौरान आपने कितना कवर कर लिया, 600 मीटर कवर कर लिया, ये एरिया इसका 600 मीटर बता रहा है, 600 मीटर कवर कर लिया आपने, तो 600 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया आपने, ये जो डिस्टेंस है ये बच्चों ओ है और ये डी है, तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये इनिशियल पोजीशन है आपको पता है, और फाइनली यहां पर पहुंचा, इनिशियली स्टार्ट किया था ओ से और फाइनली पहुंचा वो डी तक, इनिशियल और फाइनल के बीच में ये जो गैप होगा ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है,
अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बता दो मुझे, इस पूरे 600 में से इसी को तो घटाओगे, बड़े में से छोटा घटाओगे, तो ये बड़ा है ये छोटा है, घटाया तो ये आ गया, समझे, बड़ा ये है 600 और ये छोटा सब। अब देखो यहां पर आप बोलोगे कि नेगेटिव का क्या मतलब है, देखो बच्चों एक डायरेक्शन को फिजिक्स में पॉजिटिव बोला तो दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव बोलेंगे और कुछ नहीं, तो इधर वाले डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को जो जो लेंथ है या डिस्प्लेसमेंट उसको पॉजिटिव, इधर वाले को नेगेटिव, तो डायरेक्शन देखो डिस्प्लेसमेंट का किधर की तरफ आया आप देख रहे हैं, इधर की तरफ आया इधर, इसलिए ये नेगेटिव आया, ये नेगेटिव सिर्फ इतना बता रहा है कि डायरेक्शन इधर है, अगर इधर होता मान लो पहले ये यहां तक जा रहा था ए से और यहीं तक आ पाता, वापस यहीं पर आ पाता है नहीं ऐसा, तो इतना डिस्प्लेसमेंट होता ये इनिशियल ये है, फाइनल अगर ये होता तो ये डिस्प्लेसमेंट होता और इसका डायरेक्शन राइट की तरफ है तो पॉजिटिव होता, लेफ्ट की तरफ आ गया तो नेगेटिव आ गया और कोई बात नहीं। तो शायद आपको फील आई हो, ठीक है, नहीं तो दोबारा वीडियो देख लो, खत्म है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि भाई जब भी डिस्टेंस ये है तो ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया शेप तो कुछ भी बनेगा, कभी ट्रायंगल बनेगा, कभी रेक्टेंगल बनेगा, कभी स्क्वायर बनेगा, कभी ट्रेपेजियम बनेगा, कभी कुछ, ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया ऐड कर दो, ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया ऐड कर दो तो प्यारे बच्चों मिल जाएगा आपको क्या, डिस्टेंस ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया सबट्रैक्ट कर दो तो आपको मिलता है डिस्प्लेसमेंट। इज इट ओके? बताओ किसी को जरा भी तकलीफ, किसी को जरा भी, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता मेरे दोस्त, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, कोई बच्चा नेगेटिव लिख रहा है, ना ना टाइम नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, हाँ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सलेशन ये सारे मैंने बोला पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं, ये क्या तीनों हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि भाई तीन फॉर्मूले जो हैं वो ड्राइव कैसे करवाएंगे, ये इन चीजों का यूज करते हुए तीन फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे होगा अब हम फटाफट सीख सकते हैं बहुत जल्दी, सो वेरी इजिली गिरा सकते हैं बिजली, इसी क्लास में करवाऊं या अगली क्लास में करवाऊं, अभी करवाऊं या अगली क्लास में करवाऊं, व्हाट डू यू वांट, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी, तीनों फॉर्मूले का डेरिवेशन फटाफट बताओ फटाफट, नेक्स्ट क्लास में, चलो ठीक है नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे आपको तीनों का डेरिवेशन, डोंट वरी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया सफर रहा, मजा आया पढ़ के पढ़ा करके, अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।